Importance of water. We need water to live. Water is useful to us in many ways. हमको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और पानी जो है वो हमारे लिए बहुत सारे तरीकों में यूजफुल होता है. Sources of water. Rain water is the main source of fresh water on the earth. अर्थ के ऊपर जो भी फ्रेश वाटर होता है उसका मेन जरिया क्या होता है? रेन वाटर. जो बारिश का पानी होता है उससे अर्थ पे साफ पानी आता है. सम रेन वाटर सीप्स इन टू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड बिटवीन रॉक्स अंडर द ग्राउंड. जो बारिश का पानी होता है वो जो ग्राउंड होता है, जो ज़मीन होती है, उसके अंदर चले जाता है, और जो ज़मीन के अंदर पत्थर होते हैं उधर जाकर इकट्ठा हो जाता है. दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और ये जो पानी होता है इसे ग्राउंड वाटर कहते हैं. ग्राउंड वाटर इज मेड टू यूज बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप्स. जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बाहर लाते हैं? गड्ढे खोद कुएं में से, और या तो फिर हैंड पंप्स के ज़रिए. रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. जो बारिश का पानी होता है वो क्या क्या भर देता है? पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए. डैम्स एंड कैनल्स आर बिल्ट टू यूज वाटर इन रिवर्स. डैम्स और जो कैनल्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो रिवर में पानी है उन्हें यूज़ कर सके. स्नो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स मेल्ट्स टू चेंज इनटू वाटर एंड फ्लोज डाउन एज स्ट्रीम्स. जो माउंटेन के ऊपर स्नो होती है वो जब मेल्ट होती है तो वो पानी में बदल जाती है. जब वो पानी में बदल जाती है तो वो जब बहती हुई नीचे आती है वो कैसे आती है? स्ट्रीम्स की तरह. स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टू बिग टू फॉर्म अ बिग रिवर. ऐसी स्मॉल स्ट्रीम्स बहुत सारी होती हैं जो आगे जाके एक बहुत बड़ा रिवर बनाती है. हाउ डू वी गेट रेन? वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज गेट हीटेड ड्यू टू सनलाइट एंड इट इवेपोरेट्स इन टू द एयर एज वाटर वेपर्स. जो नदी, समुद्र या लेक में पानी होता है वो हीट की वजह से गर्म हो जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है हवा में. किस फॉर्म में? वाटर वेपर में. द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन ये होता है कि जब जो पानी है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. आपका एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप ये भी बन सकता है कि डिफाइन इवेपोरेशन या फिर इवेपोरेशन किसे कहते हैं, तो आप उसमें क्या लिखोगे? द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है. वाटर वेपर्स कूल्स डाउन टू फॉर्म स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन राइजिंग अप इन द एयर. द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वॉट इज कंडेंसेशन, तो आप इसमें क्या लिखोगे? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर वेपर बनती है इवेपोरेशन की वजह से, जब वो वाटर वेपर वापस वाटर में चेंज होती है, मतलब वो वाटर वेपर वापस पानी बन जाता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन. हेयर वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स विद डस्ट एंड अदर थिंग्स टू फॉर्म क्लाउड्स. अब क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो जो डस्ट यानी मिट्टी होती है और भी चीज़ें होती हैं उसमें मिल जाती है, क्या बनाती है? क्लाउड्स. दीज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स इनसाइड द क्लाउड्स. अब ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये एक साथ जुड़ती है तो एक बड़ी ड्रॉप बनती है क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर ही. व्हेन वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड बिकम टू हैवी टू रिमेन इन द एयर दे फॉल एज रेन. जब जो पानी की बूंदें होती हैं क्लाउड के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और मुश्किल हो जाता है कि वो हवा में ही रहे, तो वो गिर जाती हैं. कैसे? जैसे रेन की तरह. इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड वाटर ड्रॉप्स फ्रीज इनटू आइस एंड कम एज स्नो. अब बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत ठंड होती है,
तो उसमें क्या होता है, जब बारिश हो रही होती है, मतलब जब ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही होती है नीचे, तो वो ऊपर से जमते जमते नीचे आती है, वो कैसे आ जाती है, स्नो की तरह। द कॉन्टिन्यूस साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वॉट इज वाटर साइकिल, तो उसमें आप क्या लिखोगे, द कॉन्टिन्यूस साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा। इसमें क्या होता है कि पहले जो पानी होता है वो वाटर वेपर में चेंज होता है, और फिर जो वाटर वेपर होता है वो फिर से पानी में चेंज हो जाता है, फिर पानी क्या होगा, फिर से वाटर वेपर में चेंज होगा। अभी जैसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो इसे कहते हैं वाटर साइकिल। हाउ डज वाटर रीच आवर होम्स, हमारे घर तक पानी कैसे आता है, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन रिवर्स, जो बारिश का पानी होता है वो हम रिवर में कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर फ्रॉम अ रिवर इज क्लीन टू मेक इट फिट फॉर कंजप्शन एंड आर अदर यूजेज। अब जो पानी रिवर में होता है उसको क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, मतलब उसे क्लीन कर देते हैं, ताकि वो हम उसे पी सकें और भी बाकी कामों के लिए वो यूज़ आ सकें। क्लीन वाटर इज देन पम्प टू एन ओवर हेड टैंक, वाटर फ्रॉम द ओवर हेड टैंक रीचेज आर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। अब जो साफ पानी होता है उसे क्या करते हैं, एक टैंक में भर के रख देते हैं, और उसी टैंक में से जो पानी है वो हमारे घर में आता है पाइपलाइंस के थ्रू। वाटर फ्रॉम पाइपलाइन रीचेज द टैप्स विच हैव बीन फिटेड इन आर होम्स, जो पानी होता है वो पाइपलाइन से कैसे आता है, टैप्स में आता है जो हमारे घर में लगे होते हैं। एनिमल्स नीड वाटर, Like all other living beings, animal need water to digest their food. जानवरों को भी पानी चाहिए होता है, जैसे हम इंसान हैं हमें पानी चाहिए, वैसे ही एनिमल्स भी तो लिविंग बींग्स हैं, उन्हें भी पानी चाहिए होता है ताकि वो अपना खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे नीड वाटर टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उनको पानी इसलिए चाहिए होता है ताकि जो उनकी बॉडी में वेस्ट है वो निकाल सके। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एनिमल्स को पानी को चाहिए पीने के लिए। दे ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट, जानवरों को पानी और कहाँ से मिल जाता है, जब वो खाना खाते हैं उससे। इन फॉरेस्ट एनिमल्स गैदर एट वाटर होल्स टू ड्रिंक वाटर, जो जंगल होते हैं उधर कहीं कहीं जगह वाटर होल्स होते हैं, वहीं पर ही सारे जानवर आते हैं पानी पीने। पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली, जो घर में हम पेट रखते हैं या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए उनको साफ पानी देना चाहिए हमेशा। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपसेस एंड सी टर्टल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्यूटिक एनिमल्स, वो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिश हो गए, ऑक्टोपस हो गए, सी टर्टल हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। अब आपकी एक डिफाइन ये भी बन सकती है कि व्हाट आर सम एक्वेटिक एनिमल्स, तो आप क्या मतलब ये क्वेश्चन बन सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, फिश, ऑक्टोपसेस एंड टर्टल्स एसेट्रा। ये दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू मूव ब्रीथ एंड फीड इन वाटर, अब जैसे ये जो जानवर एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके पास ना कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर ही सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इधर उधर मूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक सम प्लांट्स टू ग्रो इन द डेजर्ट, सम एनिमल्स टू लिव इन द डेजर्ट, जैसे कोई प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में ग्रो कर जाते हैं ये रेगिस्तान में, वैसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। द कैमल कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट, कैमल यानी ऊँट है उसको हम डेजर्ट में देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल होता है उसे क्या कहा जाता है, शिप कहा जाता है डेजर्ट की। इट्स बॉडी इज सूटेबल फॉर लाइफ इन अ डेजर्ट, जो कैमल की बॉडी है वो सूटेबल है डेजर्ट में रहने के लिए। फैक्ट कॉर्नर, वाटर फ्रॉम रिवर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी होता है रिवर में उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन वॉक कम्फर्टेबली ऑन सैंड, जो ऊँट होता है वो रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है। अ कैमल कैन गो विदाउट वाटर फॉर ओवर 20 डेज, जो ऊँट होता है वो कम से कम
20 दिन तक रह सकता है बिना पानी पिए. स्मॉलर एनिमल्स लाइक डेजर्ट रैट्स एंड स्नेक्स लिव ऑन द ड्यू दैट कलेक्ट्स ऑन डेजर्ट प्लांट्स. जो छोटे जानवर होते हैं जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले स्नेक हो गए, चूहे हो गए, वो कहाँ रहते हैं? वो ड्यू में रहते हैं, जो कहाँ इकट्ठी हुई होती है, जितने भी रेगिस्तान में पौधे होते हैं उन पे. फिल इन द ब्लैंक्स. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड. कौन से जानवर होते हैं वो जो पानी में रह सकते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स पानी का क्या है? रेन वाटर. एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर डैश एंड डैश. अगर हमें कोई एक्वेटिक प्लांट्स बताने हैं तो वो कौन से होंगे? वो प्लांट्स जो पानी में उगते हैं वो कौन से होंगे? लोटस एंड वाटर लिलीज. क्वेश्चन आंसर्स. पहले है टिक द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग हीट्स द वाटर विच इज प्रेजेंट इन रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स एंड सीज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो इनमें से ऐसा क्या है जो पानी को हीट करता है, यानी पानी को गर्म कर देता है, जो कि कहाँ होते हैं? रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स एंड सीज में. फायर स्टार्स मून्स एंड सन. तो आपका राइट आंसर क्या है? सन. सन की वजह से ही जो समुद्र या फिर लेक में पानी होता है वो गर्म हो जाता है. अ प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर सम वाटर इज फाउंड इज कॉल्ड एन ओएसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. ऐसा कौन सा जानवर है जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ा था. इसका आंसर क्या होगा? कैमल. कैमल को कहा जाता है. ट्रू फॉल्स. वाटर दैट कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड इट्स कॉल्ड ग्राउंड वाटर. दिस इज ट्रू. जो पानी ग्राउंड के अंदर यानी जमीन के अंदर इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वेट एनिमल्स. फॉल्स. जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उन्हें वेट एनिमल्स नहीं कहते, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. तो अगर इसको सेंटेंस को हमें ट्रू करना है तो क्या बोलेंगे? एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. द स्टेम ऑफ अ कैक्टस प्लांट इज थिन. दिस इज फॉल्स. जो कैक्टस का प्लांट होता है यानी जो डेजर्ट में पौधा उगता है कैक्टस का, उसकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, पतली नहीं होती है. डकवीड एंड वाटर हायसेंट ऑन द सर्फेस. पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट नॉट बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली. दिस इज फॉल्स. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली. मैच द फॉलोइंग. ऑक्टोपस क्या है? एक्वेटिक एनिमल. रेन वाटर है मेन सोर्स ऑफ वाटर. अब है क्वेश्चन आंसर. वॉट इज वाटर साइकिल? इसका आंसर है पेज नंबर 108 पे. यहाँ से द कॉन्टीन्यूस साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर? इसका आंसर है पेज नंबर 110 पर. एनिमल्स नीड वाटर टू डाइजेस्ट देयर फूड. इसमें पॉइंट्स में लिखने आंसर. फर्स्ट पॉइंट होगा एनिमल्स नीड वाटर टू डाइजेस्ट देयर फूड्स. They need water to remove waste from the body. Animals need water for drinking. They also need water. नहीं, ये वाली लाइन नहीं होगी. सिर्फ तीन पॉइंट होंगे. फर्स्ट पॉइंट होगा एनिमल्स नीड वाटर टू डाइजेस्ट देयर फूड. सेकेंड, दे नीड वाटर टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. थर्ड, एनिमल्स नीड वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग. थर्ड क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. उन जानवरों के नाम बताओ जो पानी में रहते हैं. तो वो कौन से हैं? इसका आंसर भी पेज नंबर 110 पर है. फिश ऑक्टोपसेस एंड सी टर्टल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स.